ओम शांति, आप सबको स्वागत है। आज हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग हमारे ही 15 अक्टूबर के गॉड ब्लेसिंग की, ईश्वर वरदान की। आज का सेशन तो हमारा फेसबुक लाइव पे भी है एंड साथ ही साथ जूम लाइव भी हुआ हमारा। बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन, टोटल 30 लोग थे। नेक्स्ट सेशन अगले सैटरडे को प्योर मेडिटेशन, कैसे चेंजेस लाएं, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है एंड उसको मेडिटेटिव प्रोसेस में उसको कैसे कन्वर्ट किया जाए, प्योर सेशन होगा। आप लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे को लिंक के लिए मैसेज करें, या तो फेसबुक पे या तो फिर मेरे व्हाट्सएप अकाउंट पर। और आज का वरदान परमात्मा क्या कहते हैं, उस पर चलते हैं वापस। परमात्मा कहते हैं, मालिकपन की स्मृति द्वारा मैं अपने मन का मालिक हूं। स्मृति द्वारा पर्व स्थिति को समाप्त करने वाले सदा समर्थ हुआ, किसी और के कारण, किसी और की भावनाएं, किसी और की फीलिंग्स, किसी और के मूड्स, किसी और के कहने की भाव के द्वारा हमारी स्थिति खराब ना हो। जो सदा मालिकपन की स्थिति स्मृति में स्थित रहते हैं कि मैं मालिक हूं, मेरे थॉट्स, मेरी फीलिंग्स मेरे कंट्रोल में हैं, उनके संकल्प ऑर्डर प्रमाण चलते हैं किसी और के प्रति और स्व के प्रति भी। मन मालिक को परवश नहीं बना सकता। जो मन है वो मालिक होगी आत्मा। आत्मा मन के सिर्फ ऑर्डर से नहीं चलती, वो अपनी भावनाओं और अपने संकल्पों को दोनों को लेकर चलती साथ में। लेकिन अगर सिर्फ संकल्प से ही सुना जाए तो भावनाएं ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो भावना और संकल्प दोनों एक साथ। ब्राह्मण आत्मा कभी अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश नहीं हो सकती। किसी ने कुछ कहा, आपने भी कुछ कह दिया, किसी ने कुछ सुनाया, आपने उसको 10 सुना दिए, किसी ने चुगली करी, आपने उस किसी और की चुगली कर दी, ये नहीं कर सकती ब्राह्मण आत्मा, वो अपने कंट्रोल में रहती है। जब स्वभाव शब्द सामने आए, स्वभाव नेचर मेरी आए, तो स्वभाव अर्थात स्व प्रति व सर्व के प्रति आत्मिक भाव, मेरे को किसी से कोई घृणा, कोई नफरत, कोई भी चीज नहीं है, सबका भला हो, सब आगे बढ़े, सबकी तरक्की हो, चाहे वो संबंधों में, चाहे धन में, चाहे तन में, सेहत में, हर कोई आगे बढ़े, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई जेलसी नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, यह है आत्मिक भाव। इस श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ और जब संस्कार शब्द आए तो हैबिट्स, मेरी हैबिट्स कैसी हैं, तो अपने अनादि ओरिजिनल हम प्योर थे जब इस धरती पर आए थे, उसके पहले ऊपर से आए ना तो प्योर थे, और आदि संस्कारों को स्मृति में, आदि मींस बिल्कुल प्योर डिवाइन संस्कार को स्मृति में लाओ कि अगर मैं डिवाइन सोल हूं तो मैं कैसे बिहेव करूंगा इस सिचुएशन में, इस व्यक्ति के साथ में, इन चीजों के साथ में, तो समर्थ बन जाएंगे, परवश स्थिति समाप्त हो जाएगी। परवश मतलब किसी परे के कारण मेरे अपने मन को उनके वश में कर दो। किसी ने कुछ मेरे को कहा और मेरा मन उनके वश में हो गया, ये हो गया परवश। वो आप कंट्रोल कर रहे हैं, वो आप बटन दबा रहे हैं कि मैं कैसे फील करूं, मैं कैसे सोचूं और मैं कैसे जीवन जीऊं। ये मेडिटेटिंग मेडिटेशन करने वाली आत्माएं या ब्राह्मण आत्माएं नहीं करती हैं। कैसे नहीं करती हैं, इसके लिए आप और समझ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन सैटरडे को आप ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेजिए या फेसबुक पे मैसेज भेजिए, और या तो मेरे YouTube पे अगर आप सुन रहे हैं तो अगर आपके पास में मेरे कॉन्टैक्ट्स नहीं है, मुझे मैसेज भेजिए ताकि आपको मैं लिंक भेज पाऊँ। इसी के साथ ओम शांति।